अभी क्या मटेरियल ऑफ कटिंग टूल, मतलब जो कटिंग टूल के अंदर जो मटेरियल काम में आने वाले हैं वो कौन कौन से किस किस टाइप के हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों कई बच्चे यही पोर्शन छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम के अंदर और यही बच्चा गलती करता है। तो कुछ स्टेप्स के मैंने लिख रखे हैं इंपॉर्टेंट, जैसे पहला क्या है, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, वो होते हैं सॉफ्ट मटेरियल पे काम आने वाले। इनके अंदर कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो इतना इतना। क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों कि हाई कार्बन स्टील का जो अपन कटिंग टूल मटेरियल इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर जो है वो कार्बन परसेंटेज कितना होता है, तो आप बता दो कि 0.9 से लेकर 1.5। इसका टेम्परेचर जो होता है वो होता है 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्या चीज़ है, ये वो चीज़ है कि जब इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो राउंड शेप जब चलेगा तो उसमें हीट जो जनरेट होगी, जिसका इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हीट जो जनरेट होगी वो इतने वाले टेम्परेचर के ऊपर भी काम कर सकता है, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी होती है दोस्तों, ये सबसे कम स्पीड वाला होता है जिसकी होती है 10 मीटर पर मिनट से लेके 12 तक, ये सबसे कम वाला होता है, सबसे लो होता है। मतलब इसको इस तरह से ही अरेंज किया हुआ है, सबसे कम, उससे ज़्यादा, फिर मैक्सिमम उससे ज़्यादा। तो यह अगर आपसे क्वेश्चन अगर इसमें पूछ लेवे कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना रहे कि मैक्सिमम टेम्परेचर से मिनिमम टेम्परेचर, तो ये उसी के अकॉर्डिंग जमा हुआ है, स्पीड के अकॉर्डिंग जमा हुआ है, ठीक है। हाई स्पीड स्टील, अब हाई स्पीड स्टील जो होता है दोस्तों इसके कंपेयर में ये जो थोड़ा हार्ड होता है, क्यों हार्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर मिला हुआ है टंगस्टन, कोबाल्ट और वैनेडियम, ठीक है, जो टेम्परेचर पर काम करता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसकी स्पीड जो होती है दोस्तों इससे डबल होती है। इसकी स्पीड अगर 20 है तो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक काम करेगा, 20 से लेकर 24 मीटर पर मिनट ये वाला काम करेगा। आगे क्या है इसका, सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड यहाँ पर क्या है, इसके अंदर क्या मिला होता है, इसके अंदर मिला होता तो टंगस्टन और टेटलिनियम। अगर पूछ ले आपसे कि भैया क्या मिला हुआ होता है, ऑप्शन दे देंगे चार, ये वाले दूसरे, तो आपको क्या लगाना है, ये वाले। मेन कंपोनेंट टंगस्टन होता है दोस्तों, जो हार्डनेस बढ़ाता है, ध्यान रखना। आप क्या क्या होता है, टंगस्टन, कोबाल्ट, वेनेडियम या क्रोमियम, ये वाले जो आपके अशुद्धियां जिसको बोलते हैं मिलाने के वजह से ये क्या होता है, हार्डनेस हो जाते हैं, हार्ड बन जाते हैं। अब इसका एक इम्पोर्टेंट है कि ये किस प्रोसेस से बनते हैं, तो इनमें होता है पाउडर मेटलर्जी की एक प्रोसेस होती है, उसके माध्यम से हमारा क्या बनाया जाता है, सीमेंटेड कार्बाइड बनाया जाता है। अब मशीनिंग प्रोसेस के दौरान कितने हीट सहन कर सकता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी स्पीड जो है वो हाई कार्बन स्टील से कितना, 4 से 6 गुना ज़्यादा होती है। मैंने अभी बताया दोस्तों, मैंने स्पीड के बढ़ते हुए क्रम में इनको जमा रखा है, टेम्परेचर के बढ़ते हुए क्रम में इनको जमा रखा, तो तीन हमारे यहाँ क्लियर हो गए। आगे चलते हैं फोर्थ नंबर पे, जो कि क्या है, ये स्टेलाइट। स्टेलाइट का भी वही काम है जो इनका काम है, बस ये है कि कंपेयर करें तो ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड पड़ता है। ये किन मटेरियल पे काम आता है, ब्रोंज, कास्ट आयरन पे या मेलेबल आयरन के ऊपर, ठीक है दोस्तों। आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सा वाला टूल जो है वो किस मटेरियल पे काम आता है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। बाकी अगर आप इसको याद करो ऐसे ही करके कि हाई कार्बन स्टील, देन हाई स्पीड स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड, सेटेलाइट और डायमंड, वैसे याद हो गया आपको। डायमंड सबसे आखिरी में है, हाई स्पीड जो कार्बन वाला वो सबसे ऊपर है, इसके पहले क्या स्टेलाइट है, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो रहा है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाए हुए। दोस्तों आपको इस तरह से ही पढ़ाया जा रहा है जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिफ्थ नंबर का क्या है, डायमंड। डायमंड जैसे आपको पता सबसे हार्ड मटेरियल होता है ये वाला, तो इसका इस्तेमाल किन किन पे किया जाता है, कार्बन, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, बेकेलाइट या पीतल, इनों के ऊपर अगर आपको मशीनिंग करनी है, टर्निंग वगैरह जो भी करनी है, हम इसका डायमंड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम, ये सबसे भंगुर प्रकृति का होता है दोस्तों। इसका जो टेम्परेचर होता है वो किस टेम्परेचर पे काम कर सकता है, 1650 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हम स्पीडली काम करवा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आ रहा होगा तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर। थैंक यू।